हेलो गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, पेपर आपका हो चुका है सी टेट का 8 दिसंबर 2019 का। तो आंसर की उसकी आ चुकी है। आंसर की में मैंने आपको CDP की प्रोवाइड करा दी है और आपको जो है EVS की भी प्रोवाइड करा दी है। तो इसमें बात करेंगे हिंदी वाले सेक्शन की, उसके बाद में मैथ की भी मिल जाएगी, इंग्लिश की सबकी आ रही है धीरे धीरे। तो हिंदी वाले सेक्शन की बात करते हैं, इसमें हिंदी के देख लेते हैं। चलिए, तो ये मैं आपको बता दूँ, ये है आपकी बुकलेट का कोड था, इसका ए वाली है। तो बाकी जो आपका होगा ABCD, तो आप उसके हिसाब से क्वेश्चन पढ़ के मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका पैराग्राफ था, तो देख लेते हैं उसमें कौन सा ऑप्शन आपके सही होंगे। देखो, तो सिर्फ आपको क्वेश्चन मैच करने हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन तो कुछ नहीं करेंगे। इसको पूरा कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कल को या परसों को, पूरा पेपर अच्छे से, मतलब जैसे हम क्लासेस करते हैं वैसे डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ बात करते हैं आंसर आंसर की, आंसर मैच कर लो, देख लो आप कितने सही हुए आपके। तो पहला प्रश्न था इसमें जो 91st पे था, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कला प्रवृत्ति पर जो है आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो पैराग्राफ था उसमें ये दिया गया था, पैराग्राफ के आंसर हैं। अगला प्रश्न था आपका यहाँ पर, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय, ये पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट है आपका, तर्क प्रधान है। आप अपने उसमें देख सकते हैं, हो सकता है ये पहला ऑप्शन तर्क प्रधान आपका तीसरे पे या चौथे पे दे रखा हो, बुकलेट के हिसाब से चेंज कर देता है, आंसर है इसका तर्क प्रधान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या हो रहा है। तो उसमें ये दिया था उसने कि दुनिया ध्वंस की राह पर बढ़ती चली जा रही है। तो भाई अगर हम उसका उल्टा देखें यहाँ पे, तो उसने ये कहा कि उसने जो, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुको, मैं पैराग्राफ में दिखाता हूँ आपको कि लाइन क्या लिखी हुई है। वो यहाँ पर देखिए, उसने ये लिखा है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। तो दुनिया पर ध्वंस करने का जो ज्वर चढ़ा है, तो इसका उल्टा क्या होगा यहाँ पे, जो इसने लिखा है मतलब उसका एक बिल्कुल मीनिंगफुल है। तो यहाँ पे जो दिया है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है, तो उसमें ध्वंस दिया है, इसमें विध्वंस दिया है। तो ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन राइट होना चाहिए। देखो, हो सकता है कुछ लोगों का मानना है समाज में विभाजन हो रहा है, क्योंकि उसने समाज के बारे में भी लिखा है। दोनों ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट है, बाकी हो सकता है आप कमेंट करके बताएं आपके हिसाब से कौन सा है। अगला जो प्रश्न है आपका, वो है आपका, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में का रास्ता अपना रही है। तो ऑप्शन है यहाँ पे पतन, पतन का रास्ता अपना रही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। पहला है तार्किक, दूसरा स्वाभाविक, तीसरा साहित्यिक और चौथा है अभिव्यक्ति। आंसर राइट होगा आपका अभिव्यक्ति, क्योंकि ऊपर वाले जो हैं वो विशेषण है सारे। तार्किक किसी चीज़ की विशेषता है, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, गणित ही है, तार्किक विषय है। स्वाभाविक भी किसी चीज़ की विशेषता होती है, साहित्यिक है, कोई भी आपका जो विषय है वो साहित्यिक है। ये सारी की सारी विशेषताएं हैं, जबकि अभिव्यक्ति अपने आप में एक क्रिया है अलग से, किसी चीज़ को अभिव्यक्त करना। तो अभिव्यक्ति जो है यहाँ पर अलग होगा आपका। नेक्स्ट आपका प्रश्न था कि आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात क्या है। तो इसमें जो भी शब्द है आपका, ये निपात होता है आपका यहाँ पे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला जो प्रश्न आपका वो ये था कि विकसित शब्द में प्रत्यय है। तो इसमें जो प्रत्यय है वो है आपका इत, विकास प्लस इत, विकसित। तो इत जो है वो आपका यहाँ पे प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपका दिया था यहाँ पर, वो है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा, यहाँ पे ऑप्शन आपके दे रखे हैं, तो इसमें ऑप्शन राइट होगा आपका दुखद है। जो आधुनिक शिक्षा का नतीजा है वो आपका दुखद हो रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न आपका वो ये है कि आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो भाई यहाँ पे जो है तीसरा ऑप्शन राइट है, विज्ञान को। तो आपका ऑप्शन देख लेना, विज्ञान जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे जो दिया है यहाँ पे आपका जो है कविता इन्होंने दी है, तो आप इस कविता को पढ़ सकते हैं, साकार दिव्य गौरव विराट, विराट पुरुष के पूंजीपति ज्वाल। तो ये जो कविता इन्होंने दी है यहाँ पे, ये हिमालय के बारे में इन्होंने दी है, इसका अर्थ आप समझ सकते हैं। तो हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो इसके जो क्वेश्चन थे वो ये थे, हिमक्रीट का आशय क्या है। तो भाई हिम का मतलब होता है आपका बर्फ और क्रीट का मतलब होता है मुकुट। तो इसका जो आंसर था वो था बर्फ का मुकुट, ये वाला ऑप्शन आपका राइट था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका अगला प्रश्न क्या है। इसका अगला प्रश्न ये था कि नगपति का विग्रह और समास होगा, क्या होगा भाई। तो यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा, नगो का पति है जो, और इसमें कर्मधारय आपका समास होगा, क्योंकि इसमें जो है विशेषता बताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। तो भाई इसमें एक पंक्ति आई थी कविता में,
पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, तो इसी का मतलब यह है कि हिमालय जो है शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। तो ज्वाल से ही आप समझ सकते हैं, ये शब्द से ही आप, बाकी और किसी लाइन में नहीं है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न था आपका यहाँ पे, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो अजेय प्रयुक्त हुआ है। आप कविता में जब आप देखेंगे, बिल्कुल आपको सारी चीज़ें देखो यहाँ पे दे रखा है, युग युग अजेय निर्बध मुक्त, तो यहाँ पे अजेय शब्द का प्रयोग जो है इसमें आपके हुआ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन राइट होता है। आगे प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा था उसने, निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें है विसर्ग संधि, ये होगा आपका निः प्लस सीम, जहाँ पे ये डबल आधा और पूरा अक्षर एक साथ दिख जाए वहाँ पे मोस्टली जो है आपको विसर्ग संधि मिलेगी, निः प्लस सीम। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में जो आपके दिया है कि हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह समस्याओं का हल ढूंढ रहा है, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कविता में, ये रहा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है यतिवर कैसा यह है अमर ध्यान। भाई अमर ध्यान मतलब ध्यान क्यों लगाएगा कोई व्यक्ति, ध्यान तब लगाता है जब किसी चीज़ को ढूंढ रहा हो। तो इसके नीचे उसने दे भी रखा है, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, तो सीधी बात है वो समस्या का निदान जो है ढूंढ रहा है, इसलिए उसको यतिवर कहा गया है। तो यहाँ पे आंसर जो राइट हो जाएगा आपका कहाँ गया भाई, यहाँ पे एक मिनट, निस्सीम पे हम आ गए थे और यहाँ पे हाँ, तो ये वाला ऑप्शन था यतिवर जो कहा गया है, वो कहा गया है समस्या का हल ढूंढ रहा है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब आपके पैडागोजी वाले प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये प्रश्न आपका यहाँ पर प्राथमिक स्तर का बच्चों की भाषा आकलन करने का उद्देश्य है, तो यहाँ पे जो आंसर राइट होगा ये वाला ऑप्शन होगा, उसके भाषा प्रयोग की दक्षता का आकलन, क्षमता का आंकलन या दक्षता की बात होती है। और जो बाकी के हैं उसमें एक एक चीज़ है, इसमें पठन क्षमता बोल रहा है, इसमें लेखन बोल रहा है, इसमें बोलने की बोल रहा है, भाई एक एक को क्यों चुने हम तो सबको चुनेंगे ना, सभी का आंकलन होता तो सीधा चुन लिया हमने भाषा प्रयोग। तो दूसरा ऑप्शन व्यापक है, ये हिंदी पैडागोजी में मुझे लगता है एक भी प्रश्न जो है आपका गलत नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आपको बिल्कुल जो है ये सारी चीज़ें समझा रखी थी, सिखा रखी थी। अगला प्रश्न आपको पूछा था, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है, तो यहाँ पे श्रुतलेख जो है वो आपका सबसे कम प्रभावी तरीका है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका दिया था उसने कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का आकलन भी होता है, तो ये विचार जो है ये पूर्णतः सही है या अंशतः सही है या पूर्णतः गलत है या निराधार है, तो भाई बिल्कुल सही है, दोनों का आकलन होता है, पूर्णतः सही होगा आपका। चलिए आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न उसने ये दिया था कि रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया, तो रीमा ने जो है किसके आधार पर यह जानकारी दी होगी, तो भाई ये पोर्टफोलियो के आधार पर दी होगी, मैंने आपको इतनी बार बता रखा था और मैंने आपसे ये भी कहा कि ये क्वेश्चन आएगा और इसके दो प्रश्न आए हैं भाई सीटेट में पोर्टफोलियो के, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने कहा ये जरूर आएगा, देखो दो प्रश्न आए हैं, एक इसमें आया एक आई थिंक गणित में था या ईवीएस में शायद, तो ये दोनों में आ चुका है दो प्रश्न, पोर्टफोलियो राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया है, पहली कक्षा में भी लिखने के अंतर्गत आता है, तो भाई यहाँ पे आंसर जो राइट होगा आपका होगा चित्र बनाना, चित्र बनाना जो होता है वो भी आपका लिखने के अंदर ही आता है, बाकी जो ऊपर दिए गए हैं वाक्य लिखना शब्द लिखना अक्षर लिखना ये तो भाई है ही है लिखना, लेकिन जो चित्र बनाता है बच्चा वो भी राइटिंग स्किल में आता है प्री राइटिंग के अंदर, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, तो भाई जो सबसे कम महत्वपूर्ण यहाँ पे है उसे हम कहेंगे पढ़ने का उद्देश्य, क्योंकि ये प्राथमिक स्तर के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ने का उद्देश्य बच्चों के लिए काम नहीं है बल्कि अक्षरों की पहचान संदर्भ अनुसार अर्थ लगाना अनुमान लगाना ये सब प्राथमिक स्तर पर आपके ज़रूरी होते हैं, तो आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, तो भाई चॉम्स्की के साथ संबंधित है, आप लोग जानते हैं भाषा अर्जन की क्षमता के बारे में चॉम्स्की ने कहा है कि भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपका वो प्रश्न है यहाँ पे, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है, बाल साहित्य जो होता है वो आपका सबसे बेस्ट संसाधन है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं यदि यह बात स्वाभाविक है, ये कैसी है, स्वाभाविक बात है क्योंकि वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो कक्षा हिंदी की हो वो अपनी मातृभाषा में ही बताएंगे, ये स्वाभाविक रूप से बात है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे आपका वो ये है कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है
और हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये वाला राइट होगा, सभ्यता और संस्कृति, जिसमें दोनों दे रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो ये है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा विकास में हैं, सहायक हैं। तो यहाँ पे आंसर जो राइट होगा आपका खाली स्थान में आएगा वो आएगा सहायक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देख सकते हैं, पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों लिखे हुए जो देखे हैं, इस अक्षर को पढ़ो यहाँ पर कैसे लिख रखा है उसने, आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी के लेखन के बारे में, क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। तो भाई इसमें आप देख रहे हैं उसमें सब में क्या है, चंद्रबिंदी लगा रखी है ये वाली, जबकि अगर हम बात करें पांचों तो पांचों जो लिखा जाएगा उसमें ऐसे सीधा लिखा जाएगा, पांचों में मतलब यहाँ तो आएगी लेकिन इस पे जो है एक बिंदी आएगी, उसने यहाँ भी चंद्रबिंदी लगा रखी है। आंखें की बात करें अगर हम तो खे पे सिर्फ एक बिंदी आएगी, यहाँ पे उसने ये वाली लगा रखी है। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा आप ऑप्शन ये वाला राइट, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण कर रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा सामान्यकरण उसका हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपका वो ये है कि विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आंसर जो राइट होगी आपका ये वाला होगा, बच्चे की सहज भाषाई क्षमताओं को पहचानना, आप बच्चे की भाषा क्षमता को पहचानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो दो या तीन भाषाओं को यहाँ पर खाली स्थान दिया है और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो भाई समझने और बोलने, क्या होगा, समझने और बोलने, यानी कि सुनने आता है यहाँ पे, सुनने शब्द इसमें दिया नहीं है ऑप्शन में, उसने समझने दिया है। तो भाई समझते भी हैं और बोलते भी हैं, जबकि वो लिख पढ़ नहीं सकते, रटना तो निगेटिव है, लिख पढ़ना से जो सीखते हैं वो तो स्कूल में आने के बाद सीखते हैं ना, तो उससे पहले नहीं सीखेंगे, उससे पहले सिर्फ समझना सीखते हैं वो और बोलना सीख जाते हैं अपनी मातृभाषा को। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर, किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी विषय वस्तु को सीखना। तो ऑप्शन ये वाला राइट होगा आपका, अवधारणाओं, विषय वस्तु। ठीक है, तो अब आप देखो अपने, चेक करो ऑप्शन कितने आपके आंसर राइट हुए हैं और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ 30 में से कितने आपके इस वाले सेक्शन में सही हुए हैं। तो नेक्स्ट अभी आ जाएगा आपका मैथ का आने वाला है वीडियो, और उसके बाद में इंग्लिश का, संस्कृत, सभी आ जाएंगे, तो अभी जल्दी आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबाना, उससे नोटिफिकेशन मिलती है, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, बेल आइकन दबा लेंगे तो आप। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।